देख रहे हैं हेडलाइंस डेली एचडी न्यूज। राम जन जन के आराध्य हैं, उनकी मंगलमय भक्ति प्राप्त करने के लिए पहली शर्त मन की पवित्रता है। रामचरितमानस की प्रत्येक पंक्ति मानव जीवन के लिए हर काल में प्रासंगिक, शाश्वत और उपयोगी है। राम कथा वह कथा है जो हमारे अंतःकरण से लेकर घर, परिवार, मोहल्ले, समाज और राष्ट्र तक के सुख शांति की स्थापना कर सकती है। उक्त विचार वृंदावन के आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी भास्करानंद महाराज ने कल गीता भवन स्थित सत्संग सभागृह में गोयल पारमार्थिक ट्रस्ट एवं गीता भवन ट्रस्ट के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित श्री राम कथा महोत्सव के शुभारंभ सत्र में व्यक्त किए। कथा शुभारंभ के पूर्व गीता भवन परिसर में राम दरबार मंदिर से रामचरितमानस एवं महामंडलेश्वर जी की शोभा यात्रा भी निकाली गई, जिसमें वरिष्ठ समाज सेवी प्रेमचंद गोयल, आनंद निधि गोयल, गीता भवन ट्रस्ट अध्यक्ष राम एरन, मंत्री रामविलास राठी, श्याम मोमबत्ती सहित अनेक भक्तों ने मानस को मस्तक पर धारण कर व्यासपीठ तक पहुंचाया। शाम को कथा के पश्चात रामायण जी की महाआरती हुई। कथा का आयोजक श्री प्रेमचंद गोयल ने बताया कि गीता भवन में श्री राम कथा का महोत्सव का यह दिव्य आयोजन 22 जनवरी तक जारी रहेगा। राम कथा प्रतिदिन दोपहर 4 से शाम 7 बजे तक होगी। 22 जनवरी को अयोध्या के रामलला मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के वक्त यहां भी रंगारंग आतिशबाजी और दीपों से सजावट का अनूठा दृश्य देखने को मिलेगा। इसी दिन संध्या को भी बाहर से बुलाई गई टीम द्वारा आकर्षक आतिशबाजी और अन्य दिलचस्प आयोजन होंगे। मैं हूं सोनू सूद और आप देख रहे हैं एचडी न्यूज। नमस्कार, मैं आशुतोष राणा। एचडी न्यूज के सभी दर्शकों को मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं। हाय, मैं हूं दीपिका सिंह और आप देख रहे हैं एचडी न्यूज। हाय, मैं हूं बिंदु दारा सिंह और आप देख रहे हैं एचडी न्यूज।